स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ न्यूज में तो गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही से बड़ी खबर सामने आई है। युवती की खुदकुशी में प्रेमी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, जब घर ले जाने को कहा तो बोला मर जा इसलिए दे दी जान। छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही GPM जिले में एक युवती की खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने बुधवार को उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। युवती के मोबाइल से मिले ऑडियो क्लिप से इस बात का खुलासा हुआ है। इसमें युवती ने बताया है कि पहले शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया, जब घर ले चलने की बात कही तो आरोपी ने उससे कहा कि मर जा इसलिए जान दे रही हूँ। जानकारी के मुताबिक गोरिल्ला थान क्षेत्र के बांधामुड़ा सागर टोला निवासी कुसुम उर्फ रानी भानु 25 वर्ष का शव 28 नवंबर की शाम घर के कमरे में ही फांसी से लटका मिला था। हालांकि खुदकुशी करने को लेकर कोई कारण स्पष्ट नहीं हो रहा था। पुलिस ने परिजनों से भी पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। युवती के मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया था। उसकी जांच के दौरान पुलिस के हाथ ऑडियो क्लिप लगी और मामला खुल गया। क्लिप को युवती ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। इसमें उसने बताया कि गिरवा निवासी आरोपी महेंद्र यादव ने उससे शादी करने की बात कही थी, झांसा देकर संबंध बनाए। इसके बाद जब भी उससे शादी की बात करती या घर ले जाने की बात करती तो टाल जाता, फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। अब कहता है कि जा मर जा, उसके इस तरह बोलने से तंग आकर आत्महत्या कर रही हूँ, मेरी मौत के लिए महेंद्र जिम्मेदार है। पुलिस जांच और अन्य लोगों से पूछताछ में भी युवती और महेंद्र के संबंधों को लेकर पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने महेंद्र को कुसुम को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।